अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूँ अरबाज और आप लोग देख रहे हैं अरबाज दानिश ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यार आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हमारा पूरा एक कोर्स होने वाला है जिसमें मैं आप लोग को इंस्टाग्राम मार्केटिंग सिखाऊंगा, वो भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। जी हाँ भाई, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। काफ़ी टाइम से मैं आप लोग को ये बोल रहा था कि आप लोग इंस्टाग्राम मार्केटिंग के थ्रू ऑर्डर्स ला सकते हैं। आज मैं आप लोग को प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि आप लोग किस तरह से बेसिकली ला सकते हैं, कहाँ से स्क्रिप्ट जनरेट करनी है, किस तरह से अपनी प्रोडक्ट की सेलिंग करनी है, कहाँ से फॉलोअर्स लाना है, किस तरह से लोगों को घेरना है, सब कुछ स्ट्रेटजीज मैं आप लोग आज समझाने वाला हूँ। हो सकता है कि कोर्स थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं आप लोगों को आज प्रॉपर समझाऊंगा कि आप लोग जो हैं किस तरह से अपना जो है एक प्रॉपर इंस्टाग्राम का पेज हैंडल बना के उस पर मार्केटिंग कर सकते हैं और किस तरह से आप लोग जो है अपने पेज को ग्रो कर सकते हैं और ऑर्डर्स ला सकते हैं। हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो ये होगा कि हमने किस तरह से अपनी नीश की ऑडियंस को टारगेट करना है, उस नीश की ऑडियंस को टारगेट करके किस तरह से अपने प्रोडक्ट को सेल करना है या अपनी सर्विस को सेल करना है और किस तरह से आप लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाना है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ रिकमेंडेशन देना चाहूँगा। वो ये है कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम पर ये वाला जो मेथड मैं बताने वाला हूँ ना मार्केटिंग के लिए ये यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आप लोगों ने सर्विसेज बेचनी है इंस्टाग्राम मशहूर है सर्विसेज के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग प्रोडक्ट के ऑर्डर्स तो आते ही आते हैं, वो मैं डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन फेसबुक पर वो रुझान ज़्यादा है। इंस्टाग्राम पर ना थोड़ी सी मेच्योर ऑडियंस है, इंस्टाग्राम पर आपको सर्विसेज के ऑर्डर्स आ सकते हैं। अब सर्विसेज क्या होंगी, मिसाल देता हूँ, आपने स्किल सीख ली, शॉपिफाई का स्टोर बनाना आपको आता है, आपने कैनवा से पोस्ट बना दी, आपने उसकी पोस्ट लगाना शेयर कर दी, आपको वहाँ से ऑर्डर आ गया। आपने ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली, आपने लोगो डिज़ाइनिंग के ऑर्डर लाना स्टार्ट कर दिया, ये इस तरह से सर्विसेज सेल होती हैं। अगर सर्विस नहीं सेल करनी तो आप वर्चुअल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, अगर वो नहीं सेल करना है देन आप फिजिकल प्रोडक्ट्स पर आकर उसको सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर फिजिकल प्रोडक्ट्स नहीं बिकते, बिल्कुल बिकते हैं, मैंने मेथड यूज़ भी किया हुआ है, लेकिन कन्वर्जन रेशो कम है, लेकिन भाई बिकते हैं और इंशाल्लाह आपको भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप लोग इस मेथड को यूज़ करके जो है अपनी सेल्स को जो है ना फ्रॉम 0 to 100K लेके जा सकते हैं। आप लोगों ने क्या करना है, इस मेथड को प्रॉपरली फॉलो करना है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप स्किप करके देखा ना यार कि लंबी है या क्या, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को भाई कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें जो तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करके नहीं, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजीज हैं जिनको आपको अप टू डेट फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि भाई देखें मेहनत वाला काम है लेकिन काम ही मजे का है। मैं आप लोगों को जो पैसे बचा रहा हूँ ना, आप लोग के इंस्टाग्राम मार्केटिंग के जो पैसे लग रहे थे डेली के 300, 400, 500, मैं वो आप लोग के जीरो करवा रहा हूँ, लिटरली जीरो। आप लोग की मेहनत लग रही है, कोई पैसे नहीं लग रहे थे यार, अगर आप लोगों को वो काम सिखा रहा हूँ मैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली से एक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अच्छे से लाइक छोड़ते हैं और मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये काम करते हैं, ये मेरे लिए मोटिवेशन है, ये मेरे लिए जो है ना मेन चीज़ है, आप लोग बस मेरे लिए इतना सा काम करते हैं, मुझे और आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं आप लोग को, मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको शॉर्ट टू शॉर्ट रखूँ, मैं आप लोग को शॉर्ट कोर्स बना के आप लोग को सब कुछ समझा दूँ और इंशाल्लाह ताला आप लोग को उससे फ़ायदा भी होगा और आप लोग जो है इससे अच्छे खासे पैसे बनाना स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, खोलना है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम खोलने के बाद आप लोगों ने अपना कोई पेज बनाना है, ठीक है। आप लोगों ने अपना, जब मेरा ये पेज है डिजी स्टोर, मैं सेल कर रहा हूँ वर्चुअल प्रोडक्ट्स। अब इसमें क्या है, कैनवा प्रो है और फिलहाल ये वाला एक फ्री बंडल है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर्स का बंडल है, पीसी के सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वर्चुअल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये सारे चैट जीपीटी के प्रॉमिस वगैरह हैं, मैं ये सब सेल कर रहा हूँ। आप लोग कुछ भी सेल कर सकते हैं, आप लोग कोर्सेज सेल कर सकते हैं, आप लोग बहुत कुछ सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिलहाल ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं। आप लोगों ने एक इंस्टाग्राम का पेज बनाना है, पेज वगैरह बनाना बहुत ईजी है, आप लोग अकाउंट क्रिएट करें, उसको जाकर प्रोफेशनल अकाउंट पे स्विच कर दें और बस आप लोग काम खत्म हो गया। सिंपली से आप लोगों ने इतना सा काम करना है और आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। अब आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने जो है ना एक पेज बना लिया। अब पेज बनाने के बाद आप लोगों ने ना उस पर 2 से 3 दिन कुछ पोस्टिंग करती रहनी, जैसे मैंने ये 2 पोस्ट डाली में ना, आपने अपने पेज को खाली नहीं छोड़ना, आपने लाजमी कुछ ना कुछ जो है ना पोस्टिंग करते रहने हैं। अगर आपने पेज को खाली छोड़ दिया तो आपके पास जो ऑडियंस है वो नहीं आएगी और आप लोगों ने इस तरह से नहीं करना, आपने प्रॉपर जो है ना अपनी पोस्टिंग करती रहनी है। मैंने फिलहाल ये 2 पोस्ट ही रखी है, बिकॉज मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं इन्हीं को ही लेके जाऊंगा। अब बात आती है कि भाई चलो, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पोस्ट बन गए, आप लोगों ने सबसे पहले अच्छे लोगो भी लगाना है, अपनी बायो अच्छी से लगानी है, आप लोगों ने अपना पेज को पूरा प्रोफेशनल करना है। यहाँ पर मैंने अपने फेसबुक पेज का लिंक भी लगाया हुआ है, अगर कोई खोलेगा तो वो रीडायरेक्ट हो गया मेरे फेसबुक का जो पेज है यहाँ पर आ जाएगा और वो यहाँ पर आके जो है अपना मेरे पेज को देख चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हो गया। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं आप लोग बताता हूँ, आप लोगों ने सिंपली से इंस्टाग्राम मार्केटिंग कैसे करने में समझाता हूँ। आप लोगों ने सेलेक्ट करना है कि भाई आप लोगों का प्रोडक्ट क्या है। अब मिसाल के तौर पे मैं लेता हूँ कैनवा प्रो, मैंने ले लिया कैनवा प्रो, ठीक है। अब मैंने ये तो ले लिया कैनवा प्रो, अब देखो कैनवा प्रो कौन लेगा, वो लेगा या तो जो ग्राफिक डिज़ाइनर है, जो वीडियो एडिटर है, जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में है, जिसका इंटरेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट में है,
जो किसी सॉफ्टवेयर हाउस में इंटरेस्ट रखता है, किसी कस्टमर सपोर्ट की चीज़ में इंटरेस्ट रखता है, अगर इन नटशेल देखें तो वो बंदा इस चीज़ को बाय करेगा जिसका इंटरेस्ट कंप्यूटर आईटी से रिलेटेड या पैसे कमाने की चीज़ों से रिलेटेड या ग्राफिक डिज़ाइनिंग की चीज़ों से रिलेटेड होगा। इसके अलावा कोई ठेले वाला इसको बाय नहीं करेगा। ऑफकोर्स समझने वाली बात है ना ये भाई, अकल वाली बात है, कोई आम बंदा इसको बाय नहीं करेगा। इसकी ऑडियंस टारगेट है, स्पेसिफिक है, जो लोगों को ज़रूरत है, जो ये काम कर रहे हैं वही लेंगे इसको। हमारा मकसद क्या है कि हमने उन्हीं को ही टारगेट करना है, हमने किसी ऐरे गहरे को ही चीज़ नहीं बेचनी, क्योंकि भाई किसी अननोन को आप रीच आउट करो तो कभी आपसे चीज़ लेगा नहीं, क्योंकि उसको ज़रूरत ही नहीं है। हमने बेचना उसको है जिसको ज़रूरत हो और जो इस चीज़ को ढूंढ रहा हो। अब मेन बात तो आती है ना भाई, वो है कि आप लोगों ने कस्टमर्स कहाँ से ढूंढने हैं। सवाल ये है, मेन चीज़ ये है, मैं आप लोगों को ये समझाने वाला हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों ने सर्च करना है। अब सर्च क्या करना है मैं बताता हूँ। देखिए आप लोगों ने ना अपने प्रोडक्ट की नीच से रिलेटेड सर्च करना है। अब मैं तो जैसे कि ये सेल कर रहा हूँ तो मैं आप लोगों को इस हवाले से बताऊँगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग सेल कर रहे हैं, आप लोग कुछ भी सेल कर रहे हैं, आप लोग फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया की सर्विस सेल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के फॉलोवर बेचना, यूट्यूब के लाइक्स बेचना, तो ये वो बंदा लेगा जो कि कोई ब्लॉगर है, इन्फ्लुएंसर है, किसका बिजनेस है, ये वही बंदा बाय करेगा। इसके अलावा ये चीज़ें कोई भी बाय नहीं करेगा। तो आप लोगों ने ये सब कुछ भी जो है ना उसी को ही बेचना है। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली से जो है ना आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों जाना है सर्च बार। सर्च पे जाने के बाद मैंने कुछ रिसर्चेस पहले से रखी हुई हैं, मैं आप लोगों को सिर्फ ऐसे मिसाल देना चाह रहा हूँ। अब देखें जैसे अनस अली, एकॉम, ई कॉम विजीशान, ये जो बड़े बड़े फॉलोअर्स वाले ना, इनको तो आप कुछ भी करेंगे इनका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि भाई इनके पास फॉलोइंग ऑटोमेटिकली ज़्यादा है। इनका तरीका क्या है मैं आप लोगों को प्रॉपर एक तरीका नहीं, दो से तीन तरीके बताऊँगा मार्केटिंग करने के। पहला तरीका, आपने खोला आज़ाद चाय वाला। अब देखो आज़ाद चाय वाला एक हमारा पाकिस्तानी माशाल्लाह से ये मल्टी मिलियनर है, एंटरप्रेन्योर है, तो इनको फॉलो करने वाले कौन लोग हैं, जो पैसे कमाने में इंटरेस्टेड हैं। अब जो मैंने पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है वो ऑनलाइन काम में भी इंटरेस्टेड है, ठीक है, क्योंकि वही इनकम नीच बेसिकली ऑनलाइन ही है, बाकी तो इन्होंने फिर फिजिकल कर दिया बट पहले ऑनलाइन ही था। और जो काम बंदा ऑनलाइन कर रहा है वो ऑफकोर्स कैनवा पर भी इंटरेस्टेड होगा। अब देखिए अगर हम इनके फॉलोवर्स में क्लिक करते हैं तो हम सारे फॉलोवर नहीं देख सकते, ये इंस्टाग्राम ने मसला कर दिया, पहले सारे इनेबल थे बट अभी हमको कुछ ही लिमिटेड फॉलोवर्स नजर आएंगे, सारे हमको नहीं नजर आएंगे। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, देखिए ओनली आज़ाद चावला कैन सी ऑल फॉलोवर्स। आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने सिंपली से जाना है इनकी पोस्ट पर। अब फॉर एग्जाम्पल देखें मेरे पास ये जिस पर ज़्यादा कमेंट हो, अब ये पोस्ट है इस पर 99 कमेंट्स हैं, आप लोगों ने इसको खोल दिया। अब यहाँ खोलने के बाद आप लोगों के सामने देखें ये कमेंट्स शो हो रहे होंगे। अच्छा इसका फ़ायदा ये है कि भाई जो बंदे एक्टिव है ना आप लोगों को वही शो होंगे। अब फॉर एग्जांपल ये पोस्ट पिन थी, हम थोड़ा नीचे जाते हैं, अब ये पोस्ट पे 16 है, इस पर 8 कमेंट, 6 कमेंट, 4 कमेंट, 16 कमेंट, 29 कमेंट, हमने ये खोल लिया 29 कमेंट वाली, इसको मैं म्यूट ही है क्योंकि भाई ये कॉपीराइट ना आ जाए। अब तक ये बंदे ने 3 दिन पहले कमेंट किया भाई सीख तो लिया, बता अर्निंग कैसे करनी है। भाई मिल गया पोटेंशियल कस्टमर, ये रहा पोटेंशियल कस्टमर, इसको अब आप लोगों ने करना है आईडी ओपन, ठीक है। आईडी ओपन करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको बंदे को करना है मैसेज। मैसेज कैसे करेंगे, अगर किसी के पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं आता ना, यहाँ से आपको मैसेज का बटन नहीं मिल रहा, तो भाई क्या करें, यहाँ से इसकी आईडी करें कंट्रोल सी कॉपी, देन अपना जो मैसेज का बार है इसको खोले कि न्यू टैब के अंदर, ये हमारा बार खोल गया, ठीक है मैसेज का। यहाँ से हम न्यू मैसेज जनरेट करेंगे। मैसेज जनरेट करने के लिए आप लोग जाएंगे यहाँ पर टाइप वाले ऑप्शन पर और जो आईडी थी उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट करेंगे तो हमारे पास जो उसकी आईडी थी अब्दुल अहद पीटीआई के नाम से, हमारे पास सर्च करते हैं इसको, ठीक है। दोबारा से मैं ज़रा से सर्च करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो उसकी आईडी है वो मेरे ख्याल में शो नहीं हो रही, आई डोंट नो व्हाई, क्यों नहीं शो हो रही, वैसे हो तो जाती है लेकिन हमारे पास अभी इनकी आईडी जो है शो नहीं हो रही। मैं थोड़ा स्क्रॉल करके देखता हूँ, हो सकता है कि स्क्रॉल करने में कहीं पर नज़र आ जाए, तो वैसे तो आ जाती है लेकिन शायद मेरा इस वक्त नेट इशू कर रहा है या आई डोंट नो व्हाई क्या इशू है, मैं नेट भी स्विच कर लेता हूँ, हो सकता है मेरा नेट स्लो चल रहा है शायद इस वजह से। हाँ मुझे ये लग रहा है मेरा नेट स्लो चल रहा है शायद, वैसे ये नहीं शो कर रहा, खैर छोड़ें, फिलहाल हम इसको फोकस नहीं करते। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैं समझाया ना, आप लोगों ने उसमें डायरेक्ट मैसेज करना है। अब देखें ये तो एक तरीका हो गया, आप लोगों को पोटेंशियल कस्टमर मिल गया, आप लोगों ने मैसेज कर दिया। मैसेज क्या करना है, मैसेज कैसे करना है, आप लोगों ने सबसे जाना है सबसे पहले ओपन AI चैट जीपीटी को आप लोगों ने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो भी चीज़ है ना आप लोगों ने इसको बोलना है कि राइट मी अ क्विक स्क्रिप्ट फॉर हाउ कैन आई पिच माय इंस्टाग्राम कस्टमर बाय DM मार्केटिंग, इसका हमको DM मार्केटिंग बोलते हैं। अब हम लोगों को ये पोटेंशियल कस्टमर मिल गया, अब ठीक है ये तो वो तरीका है जो थोड़ा मुश्किल वाला है। इजी तरीका क्या है, आप लोगों ने उन प्रोफाइल्स को खोलना है जिनके पास फॉलोवर्स पब्लिक हो। अब जैसे मैंने ऑटोमेटिकली रखी है ई कॉमर्स विद ऑबवियस, ये जो बंदा है ना इसके फॉलोवर्स अभी पब्लिक है, मैंने अभी रिसेंटली देखा था कुछ टाइम पहले देखें, इसके फॉलोवर्स सारे पब्लिक हैं, आपको सब के सब मिल जाएंगे इसके। आप लोग को 1,02,000 की ऑडियंस है। अब मैं आपको मिसाल दूँ ना भाई, 1,02,000 की ऑडियंस है, इनमें से अगर मुश्किल से
20,000 की भी ऑडियंस एक्टिव है ना, आपको नहीं बेचना। आपने उन 20,000 में से सिर्फ और सिर्फ 1,000 लोगों को अपनी 500 वाली चीज़ बेचनी है भाई। 1,02,000 मैं समझे, 1,02,000 की ऑडियंस है, 20,000 एक्टिव है, हमारे काम की ऑडियंस 1,000 है, 1,000 लोगों को हमने बेचनी है 500 वाली चीज़। खड़े खड़े आप लोग के 5,00,000 रुपये बन जाएंगे ईजिली इस मेथड को फॉलो करते हुए। अब यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने देखना है कौन सा बंदा आप लोग लगता है कि भाई आप लोग के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, या कौन सा बंदा है जो आप लोग के प्रोडक्ट को बाय कर सकता है, या किसका इंटरेस्ट आप लोग को लगता है। अब हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और देखेंगे भाई कौन सा पाकिस्तानी है या नहीं, हम लोग को ये भी तो देखना है। इसमें कुछ हिंदू लोग भी हैं। अब देखें ये बंदे के ड्रॉप शिपिंग लिखा हुआ है, हम इसकी आईडी को खोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चेकआउट करते हैं कि इसकी आईडी पब्लिक है या नहीं है, तो इसकी आईडी पब्लिक तो नहीं है, खैर ठीक है, इसकी आईडी पर कुछ है भी नहीं। तो हम लोगों ने उनको पिच करना है जो थोड़ा सा कस्टमर इंटरेस्टेड हो और हमें लगे भी कि हाँ भाई ये बाय करने वाला बंदा है, ये बाय कर लेगा। अब इसकी आईडी है, इसके भी 7 फॉलोवर हैं। कोई काम का बंदा अगर आपको मिले ना, आप लोगों ने उसको मैसेज करना जो आपको लगे कि हाँ भाई ये इंटरेस्टेड है, ऐसे काम की चीज़ है और आप लोग उनको कर सकते हैं। अब ये कौन है, खास या फहीम, नहीं ये भी हमारे काम के नहीं है। हम लोगों ने यहाँ पर जो है ना प्रॉपर सर्चिंग करनी है कि भाई हम लोगों को, अब ये देखें ये देवभूमि, ये देखें ये भी इंडियन है। आप लोगों ने यहाँ से प्रॉपर रिसर्चिंग करनी है कि भाई कौन सा पाकिस्तानी है कौन सा नहीं है, ये आप लोगों का काम है। अब फॉर एग्जांपल हमको ये वाली आईडी मिलती है, ये भी हमको नहीं लेता बाय करेगा। आप लोगों ने प्रॉपर ढूंढना है कि भाई कौन सा बंदा बाय कर सकता है कौन सा नहीं कर सकता। अब ये कोई अफान है, इसकी आईडी पब्लिक है, हम लोगों ने इसकी आईडी कर लेना है ओपन, ठीक है। अब हमने इसकी आईडी ओपन कर ली। अब यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने इसको, अब देखें ये गेमर ट्रेडर भी लिखा हुआ है, गेमर और ट्रेडर, मतलब कि इस बंदे में कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, हम इससे कुछ ना कुछ निकाल ही सकते हैं, कुछ ना कुछ हम इसको सेल कर देंगे। हम जाएंगे हमारे मैसेज के ऑप्शन में, अब इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये चल जाए इस बार, वरना चल तो जाता है यार, वैसे पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था उस टाइम। अभी मैंने इसकी आईडी सर, ये आ गई आईडी, सेम आईडी आ गई, ठीक है, जो आईडी हमने खोली थी। इसको आप करें ओपन, आप करें चैट के बटन पर क्लिक। अब आप लोगों ने इसको देखो वन टाइम मैसेज भेजना है, क्योंकि ये हम एक ही बार मैसेज भेज सकते हैं। अब मैं जो ऑलरेडी मैसेज भेज चुका हूँ, मैं आप लोगों को जो है ना वो चेकआउट करवाता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी चैट बॉक्स खोलता हूँ, चैट बॉक्स में खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने ऑलरेडी मार्केटिंग किस तरह से किया। अब मैंने कल ही भेजा है, मैंने प्रॉपर एक मैसेज भेजा और साथ में मैंने ये फोटो भेजी है, ठीक है। तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, मैंने अच्छे खासे लोगों को एक मैसेज भेजा है और साथ में फोटो भी भेजी हुई है, ये सारी की सारी जा चुकी है इन लोगों को। अब बाय नहीं किया लेकिन ये बाय करते हैं, मेरे पास पहले बायर्स आए भी हैं। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली से ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के बाद आप लोगों ने ये देखिए मैंने लिखा हुआ है, हे आई होप यू आर डूइंग वेल, डू यू वांट टू मेक 50K मंथ बाय जस्ट रीसेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स। मैंने अच्छे से बना दिया, मैंने लिख दिया कि 500 में आपको ये सब कुछ मिल रहा है, और मैंने इसको यहाँ से कर लिया कंट्रोल सी। इनकी चैट में जाके मैं सेम चीज़ करूँगा कंट्रोल वी एंटर, भाई ये चलेगा हमारा इनविटेशन मैसेज। अब ये बंदा 80% चांस से ये रिस्पॉन्स करेगा भाई, अगर तो इसने रिस्पॉन्स कर दिया ना आपका बायर आ गया, क्योंकि ये मैसेज पे रिस्पॉन्स वो ही करेगा जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड है। अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं होगा तो वो कभी भी आपको अपनी इंस्टाग्राम की मार्केटिंग का रिप्लाई नहीं देगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ से आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, वही बंदा मैसेज करेगा जो आप लोगों से इंटरेस्टेड होगा, ठीक है, और कोई भी आप लोगों को मैसेज नहीं करेगा। तो आप लोगों ने जो है ना उसी को मैसेज करने का फ़ायदा है जो आप लोगों को लगता है कि जो आपके काम आएगा। तो ये तो हम एक तरीका हो गया, मैंने इस तरह से और भी लोगों को भेजा हुआ है, इसके पास मैं अब रिकॉर्ड नहीं कर सकता, मैंने एक मैसेज तो भेज दिया है वरना स्पैम में चले जाएंगे हम, तो हम और नहीं करते मैसेज, हमने एक भेज दिया बस अभी बहुत है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से आप लोगों ने अपनी सबसे पहले तो आईडीज ढूंढनी है जहां से आप अपने फॉलोवर्स को निकालेंगे। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कुछ फॉलोवर्स, आप लोगों ने उसी तरह से उनका फॉलो करना है। आप लोगों ने देखना है कि यार आप लोगों ने आईडीज को सर्च करना है, ई कॉमर्स में तो ऑब्वियस हो गया, आजाद चावल हो गया, वकार जगह हो गया, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं आप लोग ई कॉमर्स देखेंगे आप भरे पड़े आ जाएंगे, TFX मेंटोर हैं बहुत सारे बड़े बड़े हैं। आप लोगों ने आईडीज में जाना है, उनके फॉलोवर्स को स्पेसिफिकली एक एक करके प्रॉपर मैसेज करना स्टार्ट करना है। एंड जब आप लोग मैसेज करना स्टार्ट करेंगे उनको, तो फिर जो है ना आप लोगों के पास, अगर आप लोगों ने क्या करना है, एक टारगेट रखना है, आप लोगों ने डेली के 100 मैसेज लास्ट करने हैं भाई, ये टारगेट है आप लोगों का। आप लोगों ने डेली के 100 मैसेज करने हैं, इसका मतलब है कि महीने के 3,000 मैसेज बन गए अगर आप लोग डेली के मैसेज करते हैं। 3,000 में से आप लोगों ने जो है ना एक रेशियो निकालना है कि कम से कम 100 कन्वर्जन आती है। अगर आप लोग 500 की चीज़ बेच रहे हैं ना, तो अगर आप लोग वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ 100 लोगों भी बेच देते भाई, तो 50,000 रुपये खड़े हो गए, और 3,000 लोगों में से 100 कन्वर्जेंस निकालना कोई मुश्किल बात नहीं है। आप लोग इस चीज़ को फॉलो करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, और जिस तरह से आप लोग के ऑर्डर्स आना स्टार्ट होंगे उसी पैसे को आप लोग एडवर्टीजमेंट में कन्वर्ट करके एड्स चला के और ज़्यादा ऑर्डर्स ले सकते हैं, और आप लोग अच्छा खासा पैसा जो है ना इस मेथड के थ्रू अर्न कर सकते हैं। इस काम को बोलते हैं इंस्टाग्राम डीएम मार्केटिंग, और इंस्टाग्राम डीएम मार्केटिंग के थ्रू लोग लाखों कमा रहे हैं, और भी मैं अपनी बात नहीं कर रहा भाई, लोगों ने कमाए भी हैं, मेरे पास प्रूफ्स हैं। अगर आप जानते हो अनस अली ई कॉमर्स के जो आजकल किंग हैं, उन्होंने भी बेसिकली इसी से स्टार्ट किया था, डीएम करना स्टार्ट किया था, वो अपनी जिम की सर्विस सेल कर रहा था और उसने इस तरह से स्टार्ट किया था, और आज उसका माशाल्लाह जो है ना उसका
पूरी एक उसने अपने पैसों से एम्पायर खड़ी कर दी है। आप लोग स्टार्ट तो करें यार, आप लोग को अगर आप लोग लगता है भाई ये बहुत खुआरी वाला मेथड है तो कोई मसला नहीं है, एड्स पे लगाएं, एड्स पे रिजल्ट्स आएंगे आप लोगों को। अब ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही कि भाई जो मन आपको नहीं कर सकता एड्स चलाने, जिसके पास बजट नहीं है, जो थोड़ा सा मिडिल क्लास आता है भाई वो भी तो पैसे कमाए ना यार। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ जो पैसे वाला है वही और पैसा बनाए, जो गरीब है जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी तो पैसे कमाए ना। तो इस मेथड के थ्रू आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट का होना जरूरी है, एक अदर प्रोडक्ट का होना जरूरी है, वो वर्चुअली भी हो सकता है जैसे मैंने समझाया, और आप लोगों ने काम करना शुरू कर देना भाई, लगे रहो डेडिकेशन के साथ, रिजल्ट्स आएंगे। मुझे भी आए थे, मैंने इसमें काम किया है, मैंने आप लोगों को तभी बताया कि ये चीज़ वर्किंग में है। अगर मुझ पर यकीन नहीं आता तो क्या करो, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सर्च कर लो इंस्टाग्राम, अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ इंस्टाग्राम डीएम ऑटोमेशन, ऑटो में इंस्टाग्राम डीएम मार्केटिंग, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये नीच में पैसा कितना है। अब ये काम सिखाने वाले आप लोगों को ना यूट्यूब पर लाखों लोग मिलेंगे। देखें स्टील माई इंस्टाग्राम डीएम स्ट्रेटेजी डबल योर लीड्स एंड सेल, ये मैं सिर्फ ये अकेला नहीं कर रहा, बहुत लोग कर रहे हैं। अब देखें ये कह रहा है हाउ टू सेंड 1K डीएम पर डे बाय बल्क इंस्टाग्राम आउटरीचिंग सिस्टम, ये कह रहा है कि आप 1000 मैसेज डेली के भेजोगे। ये दूसरा कह रहा है कि आपने गारंटीड रिस्पॉन्स या कोल्ड डीएम, ये कह रहा है 15000 डीएम ये भेजता है अपने एसएमएम सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी के लिए। तो भाई आप लोग अच्छा खासा पैसा जो है ना इसके थ्रू कमा सकते हैं, इस चीज़ को मिस नहीं करना, और आप लोग अच्छे खासे पैसे जो है ना कमा सकते हैं भाई। तो अभी इस वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, और आप छोटी सी रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो बनाने में मेहनत लगती है, टाइम लगता है, आप लोग सब्सक्राइब कर दें, मेरी मोटिवेशन हो जाएगी। इंशाल्लाह ताला मैं कंटिन्यू रखूंगा, मैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे सिखाते रहूंगा, आप लोगों के साथ रिजल्ट भी सिखाते रहूंगा। प्लस मैं अभी बहुत जल्द एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं आप लोगों को 0 to 50,000 का चैलेंज होगा और मैं लाइव पूरा करूंगा आप लोग सामने एक महीने में, तो उसको भी जुड़े रहे मेरे साथ, इंशाल्लाह उसमें भी हम ग्रो करेंगे, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा भी फिर। और बस आज के लिए इतना ही यार, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट तरीके से इंस्टाग्राम की मार्केटिंग सिखा दी है, वीडियो लाइक करना मत भूलना। इंशाल्लाह मिलेंगे अब नेक्स्ट किसी वीडियो के, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल और अल्लाह हाफिज़। और हाँ यार सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, वो मैटर करते हैं, सब्सक्राइब कर।